नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए। आज है 30 अगस्त 2019। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़पेपर की करंट अफेयर, और आज का जो सवाल है वह जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे है जो, इसने अभी अभी कुछ ट्रेनें हैं जैसे शताब्दी ट्रेन हो गई, तेजस ट्रेन हो गई, तो इनमें छूट दी है। कितने प्रतिशत तक की छूट मिलेगी यहाँ पर अगर आप इसकी टिकट बुक करते हैं, तो वह आपको आंसर कमेंट में देना है। 30%, 25%, 15% या फिर 20%, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह कल हमने जो दूसरा वीडियो आता है उसमें डिस्कस किया था, शॉर्ट न्यूज में था यह। तो आपने वह वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वीडियो देखें, क्योंकि देखिए दोनों वीडियो एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं अधूरे हैं। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मेंस है तो वो तो यहाँ से कवर हो रहा है, लेकिन प्री है जो वहां से कवर होगा, और छोटे मोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में उनके आंसर भी वहीं मिलेंगे आपको। तो दोनों वीडियो देखें। देखिए वह वीडियो काफी बड़ा नहीं होता है, 5 से 10 मिनट के बीच का रहता है, क्योंकि 10-15 न्यूज कवर की जाती है तो 1-1 मिनट का लगभग टाइम लगता है, तो वहां पर टाइम कम लगता है, तो छोटा वीडियो होता है, तो आप वह वीडियो जरूर देखें। और आज का आंसर जान लेते हैं। तो जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है यहाँ पर ब्राजील। ब्राजील में यहाँ पर अमेजोन जो वर्षा वन है इनमें भयंकर आग लगी है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो इसके लिए यूएन के जो G8 देश हैं, G7 सम्मिट है, उसमें G7 जो देश थे इनने $20 बिलियन की यहाँ पर सहायता भेजी थी, जिसको लेने से मना कर दिया गया था ब्राजील के द्वारा। तो यह आपसी मतभेद चल रहे थे, इसके कारण मना किया गया था। तो यह तो बात थी क्वेश्चन की। अब हमारे जो एडिटोरियल पेज हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें जानना है कौन कौन सी न्यूज यहाँ पर आई है। तो देखिए यह वाला आर्टिकल और यह वाला आर्टिकल दोनों जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35 ए से संबंधित है, तो दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह दोनों आर्टिकल यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अभी RBI के द्वारा सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, तो उससे ही संबंधित है, दोनों लगभग सेम है और यहाँ पर थोड़े नियमों में चेंज हुए हैं, तो इसलिए दोनों आर्टिकल साथ में डिस्कस करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात की जा रही है, शुक्रवार है आज, तो आज यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इनको क्या सही तरीका है इनको चलाने का देश में, क्योंकि फेक न्यूज आज के समय बहुत आ रही है इनके थ्रू और इनका गलत असर पड़ता है समाज पे, तो इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, तो वह सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टून सेक्शन में यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है, यहाँ पर गरीब लोग हैं, यहाँ पर बारिश वारिश हुई है, लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनका पल्ला हल्का हो गया है, और यहाँ पर जो सरकार दिखाई जा रही है उनके पास और ज्यादा पैसे जा रहे हैं, जैसे RBI ने अभी और पैसे दिए यहाँ पर, तो इनके पास और ज्यादा पैसे तरह जा रहे हैं। इसके अलावा यह वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो रिपोर्टर होते हैं वह अपनी स्टोरी यहाँ पर सुना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था की, तो जानेंगे क्या यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला ही आर्टिकल हमारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया को मैप में देख लेते हैं, तो आपकी मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको इंडिया नजर आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। देखिए इस तरफ से अगर थाईलैंड या मलेशिया, इंडोनेशिया से आप जाएंगे, पापुआ न्यूगिनिया हो गया, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ जाएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड, थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको कैपिटल भी नजर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, कैपिटल अभी भी नजर नहीं आ रही है, तो फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कैरी, तो जो कैपिटल है वह नजर नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन आप याद इसको मैप में जाकर एक बार देखें, कैपिटल वगैरह देखें, आसपास का एरिया देखें, तो आपका मैप का मैप प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। वैसे कैरी वेना इसकी कैपिटल है, तो आप इसको थोड़ा सर्च करें। अब यहाँ पर बात की जा रही है अर्थव्यवस्था, तो ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक संकट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार हमें भी दिया गया था, मौलिक अधिकारों में रखा गया था, फिर इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, तो यहाँ पर जो भी निजी फर्म है, तो जो प्रतिस्पर्धा है, निजी मालिक होते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, निजी चलती है, एक सरकार की चलती है, तो जो सरकार की चलती है तो यहाँ पर सरकार की जो कंपनियां होती है इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, जो निजी फर्म होते हैं यहाँ पर इनमें प्रतिस्पर्धा होती है कि हम बेहतर करेंगे तो हमें ज्यादा यहाँ पर लाभ होगा। तो यहाँ पर जब सरकार का कुछ है ही नहीं, तो यह फर्म आपस में चल रहे हैं, यहाँ पर है तो लेकिन उतना ज्यादा नहीं रह गया है,
यह अपने मनमाने ढंग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यह जो फर्म है अब इनको सरकार के अंडर में लाने की बात की जा रही है कि समय आ गया है कि जो निजी फर्म है इनको यहाँ पर जो सरकारी फर्म बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया निर्बाध आर्थिक विकास की सबसे लंबी अवधि है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो विकास है निर्बाध किसी भी बाधा के यह लंबे समय से चला आ रहा है लंबी अवधि से, जो कि विकसित देशों के बीच विश्व रिकॉर्ड रखता है। तो इसका विश्व रिकॉर्ड है कि विकसित देशों में इतने लंबे समय से ऐसी व्यवस्था लेकर यह चला आ रहा है। तो यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड रखे हुए है। आर्थिक व्यवस्था की अराजकता प्रकृति के कारण गंभीर संकट में है। देखिए जो यह जो यहाँ पर व्यवस्था है इसके कारण आज के समय में अराजकता व्याप्त हो गई है और यह काफी गंभीर संकट में पहुंच चुका है। जो अर्थव्यवस्था है गंभीर संकट में है। अधिकांश उत्पादक संपत्तियों का निजी स्वामित्व है, उन्हें बाजार का उपयोग कैसे करना है। तो जो भी यहाँ पर उत्पाद हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर उत्पादक होता है, कोई भी उगाया जा रहा है, तो वह निजी है, यानी कि जो प्राइवेट है वह संस्थान है ज्यादातर, जिसके कारण जो बाजार है उसका उपयोग सही से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण यहाँ पर आज के समय में नौकरियां नहीं है, नौकरियां कम मिल पा रही हैं, नौकरियों का आयोजन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल अगर आप लेके चले तो देखिए सरकार क्या है, सरकार का काम है रोजगार प्रदान करना, सुविधाएं देना, रोड सड़क स्कूल हॉस्पिटल प्रदान करना। और जो निजी सेक्टर होते हैं ये क्या चाहते हैं, सिर्फ अपना एक तरीके से उन्हें लाभ चाहिए। तो सरकार को यहाँ पर अगर काम कर रही है तो सरकार इसका जॉब वगैरह देगी, सरकार की एक ड्यूटी है। और निजी सेक्टर है तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं रह जाती है, वह चाहे तो प्रोवाइड कराए, नहीं चाहे तो नहीं प्रोवाइड कराए। तो ऐसे में यहाँ पर आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ गई है। तो ऐसे में नौकरियां नहीं है तो सरकार का काम है कि जो निजी फर्म है इनको यहाँ सरकार के अंदर लाया जाए और जो नौकरियां हैं इनका योजन करें, इनको यहाँ पर प्रोवाइड कराए। साथ ही दूसरा बड़ा सेक्टर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा की कमी पर विचार करें। तो यहाँ पर ऊर्जा की काफी कमी है। देखिए आप यहाँ पर 2017 है, यहाँ पर गर्मियों के दौरान यहाँ पर लगभग ऊर्जा नहीं थी, 10,000 लोगों के पास कम से कम 1,000 लोग थे यहाँ पर, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ऐसे में क्या कर सकता है, एकीकृत सार्वजनिक ऊर्जा और रोजगार योजना, तो कुछ इस तरह की योजनाएं ला सकती है सरकार ताकि हर नागरिक तक ऊर्जा पहुंच सके। निजी मालिकों को सरकारों से प्रतिस्पर्धा, देखिए अब जो निजी सेक्टर है यह सरकारी सेक्टर है, तो अगर निजी सेक्टर को सरकार से प्रतिस्पर्धा मिलेगी क्या होता है, सरकार की चीजें सस्ती होती हैं, देरी से भली मिलती हैं सस्ती होती हैं, निजी सेक्टर की चीजें क्या होती हैं महंगी होती हैं। अगर सरकार यही चीज सही टाइम पे और सस्ते में प्रोवाइड कराए तो यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, तब क्या होगा इनको प्रतिस्पर्धा मिलने लगेगी। तो ऐसे में यह कंपनियां भी सस्ती हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा यहाँ लोगों को लाभ देंगी। तो कुछ ऐसा करने के लिए बताया जा रहा है। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को स्थानांतरित करने की संभावना, ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था की दबाव संबंधी समस्याओं से कुछ संबोधन करने के व्यवहारिक तरीके के रूप में अब नीतिगत एजेंडे पर रखी जानी चाहिए। तो देखिए सही बात है, अगर आप यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दें, जैसा कि इंडिया में भी हटाया गया था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार से सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। अगर सरकार को कहीं पर भी रोड डालना है तो संपत्ति का अधिकार आ रहा है, किसी के खेत से निकल रहा है, किसी के घर के पास से निकल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर एक तरीके से विरोध होने लगता है सरकार का, तो काम नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको यहाँ पर अधिकार से हटा देना चाहिए ताकि यहाँ पर सही से काम करे। तो आज के समय में इसकी मांग है। तो यह हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, छोटा सा था, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का है तो हमारे काम का नहीं रहता उतना, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आसपास के दुनिया के जो देश हैं उनमें क्या चल रहा है। हमारे काम की चीज़ है जो वह यह है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कमजोर पड़ने पर विभाजन और विशेष दर्जा, देखिए देश की जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, ठीक है। तो यह कब हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं थी, राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तब जाकर इसको हटाया और विशेष दर्जा हटा दिया और इसका द्विभाजन कर दिया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया। तो देखिए यहाँ पर कहा कुछ अलग ही जा रहा है, ऐसा किया तो क्या इसको सरकार है जो सेंटर में, सरकार को इससे लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो वह बताया जा रहा है। तो नई दिल्ली के वास्तविक लाभ का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो नई दिल्ली है जो केंद्र सरकार, उसको क्या लाभ हुआ है, तो उसका मूल्यांकन भी तो करके देखें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों द्वारा नजरअंदाज किया गया था कि नई दिल्ली ने शक्तियों के मामले में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं कमाया है। तो नई दिल्ली को कोई भी लाभ नहीं हुआ है, बल्कि
श्रीनगर को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है, ठीक है, ना तो नई दिल्ली को लाभ हुआ है ना ही श्रीनगर को कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो सरकार को कहीं ना कहीं हानि हो सकती है आगे आने वाले समय में। जैसे अनुच्छेद 370, पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं क्योंकि नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 370(1)(d) 5 अगस्त को इसको पतला किया गया। देखिए अनुच्छेद 370 को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया गया है, तो पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, इसमें एक तरीके का संशोधन किया गया है जिसको एक तरीके से यहाँ पर पतला किया गया है, एक तरीके से संशोधन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान के अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए तैनात किया जाना था, क्योंकि यहाँ पर सभी कानून और सभी योजनाएं सरकार की स्कीम्स लागू नहीं हो रही थी तो विकास रुका हुआ था, तो इसको यहाँ पर संशोधित किया गया ताकि यहाँ पर योजनाएं पहुंच सके, कानून लागू हो सके। अनुच्छेद को संशोधित या निरस्त करने के लिए नहीं, तो अनुच्छेद को ना तो संशोधित करने के लिए और ना ही निरस्त करने के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन किया है ताकि योजनाएं यहाँ पर पहुंच सके। इसके अलावा अनुच्छेद 3, यहाँ पर अनुच्छेद 3 यहाँ पर सरकार को पावर देता है कि वह देश की किसी भी सीमा का नाम बदल सकता है, जगह बदल सकता है, बाउंड्री को एक्सचेंज कर सकता है, यह पावर यहाँ पर मिलती है। तो जो किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है या इसे द्विभाजित कर दिया, तो यह तो कहा जा रहा है कि जैसे इसे दो भागों में विभाजित कर दिया है, दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो इसमें देखिए यहीं पर एक और सवाल उठता है कि देखिए ऐसा करना है, अगर आप किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, किसी की बाउंड्री बदल रहे हैं, तो सीमाओं को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो राज्य से पूछना जरूरी नहीं है क्या? तो पूछा जाता है, लेकिन अनुच्छेद 1 यहाँ पर ऐसा पावर देता है कि सरकार ऐसा काम बिना पूछे भी कर सकती है, क्योंकि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, तो भारत एक एक देश है लेकिन संघ है, संघ ऐसे ही है लेकिन पूरे अल्टीमेटली यूनाइटेड देश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन यहाँ पर प्राप्त नहीं किया गया। यह सब देखिए दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया जम्मू कश्मीर को, तो इसमें विधानसभा को पूछना चाहिए था कि नहीं? तो चलो पूछते, कब पूछते, जब यहाँ पर कोई विधानसभा होती, क्योंकि विधानसभा यहाँ नहीं थी, राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तो ऐसे में यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनसे पूछा गया कि यहाँ की स्थिति कैसी है, कैसा यहाँ पर काम हुआ है, 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी बनी हुई थी केंद्र के कारण। देखिए राष्ट्रपति शासन चल रहा है यानी कि राष्ट्रपति के अंदर में पूरा यहाँ का कारकाज कारकाम था जो सब देखा जा रहा था, और यहाँ पर चुनाव भी हुए इनके कार्यकाल में, तो यहाँ पर देखा गया कि राज्य अगर विधानसभा के अंदर चल रहा है तो यहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है, अगर इसको राज्य के अंदर यानी कि राष्ट्रपति शासन के अंदर रख दिया जाए तो अच्छा काम हो रहा है। तो यह एक एग्जाम्पल लिया गया और इसके तहत इसको यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बदल दिया, और ऐसे में अब ज्यादा काम होने की उम्मीद है। साथ ही कहा गया है कि अगर टाइम आएगा, स्थिति सामान्य होगी, तो हम इसको फिर से यहाँ पर एक राज्यसभा विधानसभा बनाई जाएगी और यहाँ पर फिर से चुनाव वगैरह कराए जाएंगे, लेकिन लद्दाख के यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि केंद्र सरकार को इससे क्या लाभ होगा? तो देखिए केंद्र सरकार को लाभ तो कुछ नहीं हो रहा है विशेष, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं गई हैं और उन याचिकाओं के तहत उसी लेख को लागू करके धारा 370 को संशोधित करने के केंद्र की कदम को असंवैधानिक करार दे सकती है। तो अब इसकी जांच होगी, अगर यहाँ पर जांच सही होती है, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है, तो सरकार का जो फैसला है 370 धारा में संशोधन किया गया है इसको गलत करार, असंवैधानिक करार दे सकती है, तो सरकार को यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन के अधीन किया गया है, तो राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति के द्वारा यह किया गया, तो इसमें देखा जाता है कि संघवाद है जो इसके खिलाफ है, क्योंकि आप एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट रहे हैं, तो यह जो संघवाद का ढांचा है उसके खिलाफ जाता है। और तीसरा अनुच्छेद 370 जैसा कि 4 अगस्त को कश्मीर को नहीं बल्कि केंद्र को विशेष शक्ति उपलब्ध थी, तो जब यहाँ पर 4 अगस्त 5 अगस्त को यह किया गया तो उस टाइम पर जो कश्मीर है यहाँ पर ना तो विधानसभा थी ना यहाँ सरकार थी, कोई भी राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तो इसके पास कोई पावर नहीं थी, जबकि केंद्र सरकार है इसके पास बहुत सारी शक्तियां उपलब्ध थी।
तब जाकर ऐसा किया गया। फिर इसके अलावा देखा जाए तो 1956 के पुनर्गठन अधिनियम से पहले, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप अपने ही हिसाब से काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बदल देते हैं, तब लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। आप लोग एक बार लोगों से पूछें वहां की जनता क्या चाहती है, उसके हिसाब से काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ही कुछ किया जाता था 1956 के पहले। तो 1956 जब पुनर्गठन अधिनियम यहाँ पर पारित हुआ, उससे पहले राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता था। तो राज्य होते थे जो उन्हें अगर किसी और राज्य में बदलना है, किसी राज्य में तोड़ना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, बाउंड्री बदलनी है, नाम बदलना है, तो जो राज्य होते थे उनसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल 2014 का है। 2014 में अभी 5 साल पहले ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो तेलंगाना अलग राज्य बना यहाँ पर आंध्र प्रदेश से निकलकर। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश से यहाँ पर पूछा गया था, क्या आप यहाँ पर दो राज्यों में विभाजित होना चाहते हैं? तो तब जाकर यहाँ पर सहमति मिली थी, तब जाकर यह दो राज्यों में विभाजित हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा संघ की सूची, देखिए अब खास कोई बदलाव हुए नहीं है, 370 को खत्म कर दिया, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं से कुछ अलग कर दिया गया हो। देखिए यहाँ पर संघ की जो सूची है इसमें 76 जो लेख हैं उसमें से कुछ तो पहले से ही लागू थे सर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ बचे हुए थे वह अभी लागू हो गए। फिर 1958 में जम्मू कश्मीर तक विस्तारित किया गया है, ठीक है, जो लेख हैं इनको यहाँ तक भेजा गया। इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग है वह पहले से यहाँ पर चुनाव कराता है, उसको पहले से चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है। 1959 में जो संशोधन किया गया था, जो जम्मू कश्मीर संविधान था इसका जो प्रथम संशोधन था वह यह था 1959 में, और यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव कराने का अधिकार दिया गया था जम्मू कश्मीर में। तो देखिए चुनाव भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वह कराता है यहाँ पर। इसके अलावा संघ सूची में 97 वस्तुओं में से कुल 94 पहले ही जम्मू कश्मीर के लिए लागू थी। तो देखिए जो संघ सूची है 97 यहाँ पर वस्तु रखी गई है, उसमें से 94 तो पहले लागू हो रही है, अब यहाँ पर थोड़ा बदलाव करके 3 और लागू हो जाएंगी, तो यहाँ पर कुछ खास अंतर नहीं आ रहा है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 395 लेख हैं, ठीक है, इनमें से 260 तो पहले से ही यहाँ पर लागू होते हैं। इसके अलावा बचे जो कुछ भी हैं यहाँ पर वह अब भी लागू हो जाएंगे। बाकी लेखों के संबंध में जम्मू कश्मीर संविधान में समान प्रावधान है, तो यहाँ पर जो बचे हैं वो तो समान ही हैं और जो बचे हैं वह अब लागू हो जाएंगे, तो वो यहाँ पर भी काफी कोई बड़ा अंतर नहीं आता। इसके अलावा 250 से अधिक केंद्रीय कानून पहले ही बढ़ा दिए गए थे, और जम्मू कश्मीर में अधिकांश राज्य कानून केंद्रीय कानूनों के समान है। तो देखिए समान अधिकार, देखिए लोग चलेंगे फिरेंगे तो वो तो समान अधिकार है, लोग बिजनेस करेंगे वो भी अधिकार है, तो जो अधिकार थे सब समान ही हैं। एक दो अधिकार ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, एक दो कानून ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं किया गया है। तो यह यहाँ पर राइटर का मत है, यह कंप्लीट आर्टिकल था। इसके अलावा जो हमारा इससे ही संबंधित दूसरा आर्टिकल है उसको देखते हैं, कानून और राय। तो कानून है फिर उसकी राय की बात की जा रही है। अभी देखिए 370 से संबंधित, जम्मू कश्मीर के मुद्दे से संबंधित जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर अदालत को याचिका गई, तो कुछ जो याचिकाएं गई हैं उन सभी पर अदालत को लोकप्रिय मनोदशा के बिना कश्मीर पर फैसला करना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे 5 अगस्त को यह 370 को यहाँ पर संशोधित किया गया था और इस पर सुनवाई होगी, और 6 नवंबर को यहाँ पर इस पर कोई भी फैसला वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो अब अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पर मनोदशा को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष फैसला लेना चाहिए, और अभी जो सुनवाई हुई, याचिका हुई, तो इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले हैं, अदालत को संबंधित व्यक्तियों की हिरासत की वैधता की जांच बाकी है, तो इन सभी मुद्दों पर जांच होगी। साथ ही जो अदालत ने जो याचिकाकर्ता है इनको कश्मीर की यात्रा करने और डिटेनर्स से मिलने की अनुमति दी है, तो यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब लोग यहाँ पर कश्मीर जाएंगे, हालात देखेंगे कैसा क्या है, स्थिति सही है या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, फिर उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर केस चलेगा, फिर यहाँ पर कोई भी फैसला बाद में किया जाएगा। तो अभी सुनवाई शुरू हो गई है। तो ये हमारे दोनों कंप्लीट आर्टिकल थे। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। तो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर बात की जा रही है, सरकार को अभी पैसे दिए गए आरबीआई के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो संशोधित इसको पैसों को स्थानांतरित करने की बात आ रही है।
तो सरकार आरबीआई के हस्तांतरण का उपयोग करने में विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता है। तो देखिए 1.76 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं सरकार को, तो इन पैसों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ज्यादा यहाँ पर सुविधा मिलेगी। क्योंकि देखिए आर्थिक मंदी चल रही है, तो ऐसे में अगर पैसा आया है तो एक गिफ्ट के तरीके से आया है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर इस गिफ्ट के पैसे को सही से उपयोग कर लिया जाए तो आर्थिक मंदी का कुछ भार तो यहाँ पर कम हो ही जाएगा। फंड ट्रांसफर से केंद्र को कुछ जरूरी राहत और सुविधा मिल सकती है। तो देखिए एक राहत तो मिल रही है, साथ ही सुविधाएं भी मिल सकती हैं। अब देखिए यह फंड आया तो क्यों आया, देखिए काफी लंबे समय से यहाँ पर देखा जाए तो देखिए जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय है, तो इनके बीच में काफी लंबे समय से गतिरोध चल रहा था। पहले भी यह हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूज में, कल लगभग 6-7 महीने पहले आ रही थी न्यूज कि जो केंद्र सरकार है वह चाह रही थी कि जो पैसा है आरबीआई के पास में रिजर्व में रखा हुआ है उसको सरकार को दे दिया जाए तो सरकार इसका उपयोग कर ले, लेकिन आरबीआई यहाँ मना कर रहा था। काफी समय लंबे समय से यह सब चला आ रहा था, लेकिन अब आरबीआई ने जब पैसा ट्रांसफर करने की बात कह दी गई है तो यहाँ पर जो भी गतिरोध था वह आपके आज समाप्त हो गया है। और यह फैसला कब हुआ और किसके द्वारा किया गया वह महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बिमल जालान समिति की रिपोर्ट, तो यह इंपॉर्टेंट है कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। तो बिमल जालान समिति की रिपोर्ट, याद रखें बिमल जालान, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी रिपोर्ट थी उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने की बात कही है। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर आंकड़ों की। देखिए आर्थिक पूंजी को बैलेंसिंग, अब आरबीआई ने यह फैसला लिया तो है, लेकिन इनने एक बात ध्यान में रखी है कि जो बैलेंस शीट है आर्थिक पूंजी की, कि पैसा है जो कम से कम इतने प्रतिशत ही यहाँ पर जो अधिक है उसको देना चाहिए या फिर इतने प्रतिशत यहाँ पर बैलेंस बना के रखना है, तो वह 24.5% से 20% है, तो इस पर बैलेंस बना के चलना है यहाँ पर। साथ ही जो बैलेंस शीट है इसको 6.5 से 5.5% के बीच में रखने की सिफारिश की गई है, तो जो बैलेंस शीट है इसको बना के चलना है इतने के बीच में, ठीक है, तो यह काम किया गया है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, ठीक है, 1,76,000 करोड़ तो स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई की आर्थिक पूंजी के रूप में देखा जाएगा तो जून 2019 में 23.3% निर्धारित सीमा के भीतर था। तो देखिए 20 और 24 के बीच में ही है यहाँ भी 2019 में, तो इसके कारण 2018-19 में लगभग 1,23,414 करोड़ रुपए ज्यादा यहाँ पर हो गए थे, ठीक है, बैलेंस शीट बीच में ही थी और पैसे भी ज्यादा हो गए थे, तो इसके कारण यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए गए। साथ ही आरबीआई ने फरवरी में ही 2019 में 28,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए थे, बाकी पैसे भी चालू वित्त वर्ष में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही 58,000 करोड़ रुपए के बजटीय लाभांश पर 19,000 करोड़ की राशि मिलेगी, 90,000 करोड़ की राशि मिलेगी। तो देखिए जैसा जैसा बजट बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा समय आएगा, अगले वित्त वर्ष चालू होंगे, वैसा वैसे यहाँ पर पैसे ट्रांसफर वगैरह होते जाएंगे और मिलते जाएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं आप वास्तव में अगर देखा जाए तो 2018-19 में केंद्र का वास्तविक शुद्ध कर राजस्व संग्रह 15.9 लाख करोड़ था, ठीक है, तो जो वास्तविक शुद्ध राजस्व कर था वह 15.9 लाख करोड़ था और 2019-20 में यह 19.4 लाख करोड़ का एक लक्ष्य बनाया गया, तो हो सकता है आगे जाकर यह बढ़ जाए। साथ ही शुद्ध राजस्व कर में लगभग 25% की वृद्धि होगी, तो देखिए यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है, साथ ही सकल कर राजस्व में 26.5% की वृद्धि होगी, तो देखिए वृद्धि हो रही है और अगर ऐसे में ज्यादा पैसा आता है और वृद्धि तो ऑलरेडी हो रही है तो पैसे यहाँ पर सरकार को दिए गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लगभग 70,000 करोड़ होने की संभावना है आगे चलकर, जो भी यहाँ पर कमी है, राजस्व कमी आती है, देखिए सरकार आती है बजट लाती है, कुछ योजनाएं होती है सरकार को यहाँ पर रेवेन्यू होता है, क्या होता है कि सरकार जितनी योजना लाती है और जितना इनका टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, मान लीजिए यह है टैक्स से पैसा कलेक्ट कर रही है सरकार, यह खर्च कर रही है, तो यहाँ पर खर्च ज्यादा करती रहती है, तो कहा जा रहा है कि लगभग जो खर्च है वह 70,000 करोड़ ज्यादा हो सकता है। अब देखिए हर बार यहाँ पर खर्च ज्यादा हो जाता है, कमाई कम होती है, तो अगर ऐसे में आरबीआई के द्वारा पैसे दिए जाते हैं तो यह जो गैप है यह भर जाएगा,
यह भी एक पॉइंट हो जाता है। साथ ही राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना, अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने और गुड्स, देखिए तो यह 70,000 करोड़ जो का गैप आ जाता है पैसे का, इतने ज्यादा पैसे कम पड़ जाते हैं हमारे पास, तो उसका कारण क्या है? कई बार जीएसटी है, नोटबंदी है, तो यह सब कारण है जिसके कारण जो आर्थिक मंदी आ जाती है। साथ ही वर्ल्ड एक तरीके से जो ट्रेड वॉर है वह चल रहा है, हांगकॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यह सब कारण है जिसके कारण क्या होता है, आर्थिक मंदी आ जाती है और इस तरह के गैप हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कहीं से मदद मिल रही है सरकार को तो वह अच्छा है, उससे यह गैप भी भर जाएगा। इसके अलावा बात की जा रही है आगे ही इसी से संबंधित अर्थव्यवस्था का दूसरा आर्टिकल है, प्रकाश किए के लिए टिंकरिंग। देखिए नवीनतम एफडीआई नियम, कल हमने डिस्कस किया था दूसरे वाले वीडियो में, छोटा वाला वीडियो होता जो उसमें एफडीआई है, जो इसमें नियम किए गए हैं। एफडीआई क्या हो रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, तो कुछ भी आप बोलें तो वह होता है। तो बाहर से जो कंपनियां होती हैं वह इंडिया में आती हैं, पैसा लगाती हैं और इंडिया की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, साथ ही कंपनियां अपना मुनाफा भी कमाती हैं। तो जो निवेश है, इसके जो नियम है, अभी बजट आया था तो उसमें नियम थोड़े कड़क कर दिए गए थे, तो इन नियमों में बदलाव किया है, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। तो कहा जाता है कि अगर नियम में बदलाव कर दिए हैं, नियम आसान होंगे, तो बाहर से ज्यादा लोग आएंगे, बाहर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम खींचेंगे और वह हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसा क्यों किया गया, नियमों को क्यों बदला गया? तो अप्रैल मई 2018 में यहाँ पर जो 7.9 बिलियन यूएस डॉलर से शुद्ध एफडीआई प्रवाह 6.8 बिलियन डॉलर हो गया था, तो देखिए 7 से 8 पर पहुंच गए, यानी कि 1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हो गया, 1 बिलियन डॉलर यहाँ से बाहर चला गया। तो यह जो नुकसान होता है तो इसके कारण यहाँ पर नियम बदलने पड़ते हैं, और नियम बदलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आगे आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, ताकि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े। तो इसलिए यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए। इसके अलावा कुछ बदलाव किए गए हैं जो उनको जान लेते हैं, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, कोयला खनन क्षेत्र है, इसमें बदलाव किया गया है ताकि 100% लोग यहाँ पर आकर इसमें निवेश कर सके इस क्षेत्र में। साथ ही 100% यहाँ पर मार्क के तहत अनुबंध निर्माण सहित विशिष्ट रूप से कमोडिटी बेचने और स्थानीय को आसान बनाने में शामिल है। देखिए ये एक तो यह प्रोडक्ट आसानी से बना सके, ऊपर से आसानी से इसको बेच सके, तो ऐसा करने का इनका प्लान, एक तरीके से नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा सिंगल ब्रांड रिटेलिंग, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था, किसी के पास अगर, देखिए क्या होता है आज के समय ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है, ऑनलाइन सब खरीदने लगे हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान खरीदा जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पहले आपके पास एक दुकान होनी चाहिए पक्की, ये रजिस्टर होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऐसे नियम थे कुछ, लेकिन इनको बदल कर क्या कर दिया गया है, अब अगर आपके पास आपका खुद का घर है तो आप खुद के घर से यहाँ पर बिना रजिस्टर की हुई दुकान से आप अपना सामान घर से भी बेच सकते हैं। तो यह नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है, तो इससे संबंधित जानकारी जरूर है, कल भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कोयला क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा विचार करने वाला है, क्योंकि कोयला क्षेत्र ऐसा है जिससे हमारा पर्यावरण लगा हुआ है, तो अगर जीवाश्म ईंधन है, अगर कोई यहाँ पर कोई विदेशी कंपनी आकर इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो ध्यान में दिया जाए कि कहीं प्रदूषण ना हो जाए, कहीं इसका गलत उपयोग ना किया जाए। साथ ही बात होती है बिजली और जो शक्ति है उसकी, बिजली इस्पात सीमेंट, तो उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की संभावना पर आधारित है, जिसे आयात महंगा होगा हो गया है और आयात में कटौती हो रही है। देखिए एक तो हम जो तेल वगैरह ईरान से खरीदते थे, तो अमेरिका ऑलरेडी सैंक्शन लगा रहा है, तो वहां से खरीदना मुश्किल हो रहा है, कह रहा है अमेरिका से खरीदो, और यहाँ पर मीटिंग भी हो रही है अभी अमेरिका से, जो भी यहाँ पर शक्ति से संबंधित ऑयल वगैरह है इसको ट्रेड करने की। फिर इसके अलावा देखिए बिजली बहुत जरूरी है आज के समय में, बिजली के बिना काम नहीं चल रहा, सीमेंट वगैरह हो गया, यह जो क्षेत्र है बहुत जरूरी है, इनके लिए कच्चा माल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐसी चीजों का आयात बहुत महंगा हो रहा है, बाहर से लाने में बहुत महंगा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस यह है कि बाहर की कंपनियां आए और इंडिया में ही इनका निर्माण करें, तो यह यहाँ पर राइटर के द्वारा सलाह दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला आर्टिकल इसी से संबंधित बात की जा रही है, सोशल मीडिया, देखिए यहाँ पर यह आर्टिकल शायद वो खत्म हो गया है, यहाँ पर दूसरा आर्टिकल ऐड हो गया है। तो देखिए आज है जो क्या है, शुक्रवार, तो आज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर बात की जा रही है सोशल मीडिया को विनियमित करने का सही तरीका क्या होगा, तो सोशल मीडिया को कैसे चलाया जाए। देखिए आज के समय में गोपनीयता हमारा अधिकार हो गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें सोशल मीडिया चलानी है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चल रही है, उसको रोकना सरकार का काम है, तो सरकार का काम भी हो जाए, लोगों की गोपनीयता भी बनी रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि गोपनीयता भी बनी रहे, साथ ही जो यहाँ पर गलत चीजें हैं उनको भी रोका जाए, तो इसके बीच में संतुलन बनाकर चलना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है। तो क्या सही तरीका होगा यह बैलेंस बनाने का, कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? तकनीकी समाधानों के अलावा जनता से जुड़े नीतिगत चर्चाओं से निकली नकली समाचारों से लड़ने में मदद मिल सकती है क्या, तो यह सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, तीनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, क्या नाम है इनका, अरुण मोहन सुकुमार, तो इनके विचार हैं, आप इसको पढ़ें, क्या यह कहते हैं, कैसे यह सोचते हैं, काफी बड़े हैं, मतलब तीन विचार हैं, तो आप इनको समझें, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में टाइम लगता है, तो आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। रमन चीमा है, तो इनके कुछ विचार हैं यहाँ पर, एक एक दो दो विचार ला कर रखे हैं, पूरा नहीं रखा है। इसके अलावा श्री श्री निवासन रमानी है, तो इनके भी कुछ यहाँ पर विचार हैं, तो आप इनको पढ़ें, हालांकि यहाँ पर इनके विचार हैं जो आप इनको जान सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से भी, और वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। तो यह आज का हमारा डिस्कशन था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।